pick the चार पांच छः सात الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تدروا في الميزان وقيموا الوزن بالقسط لا تخسرون الميزان والأرض ودها لأنام فيها فاكهة النقل زاد أقام يا حبز الأسف والريحان فبأي ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربان فبأي ربكما تكذبان مرج بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي لا ربكما تكذبان يخرج منهما لولاه ومرجان فبأي لا ربكما تكذب وله جوار منشيات في البحر كالألام فبأي لا ربكما تكذبان میرے اللہ بلبل شاہ کی وساطت سے اس حضرت بلبل شاہ جو پہلی شخص ہے جس نے اس کشمیر میں قدم رکھا اس کی وساطت اس کی دعا قبول کر میرے اللہ کشمیر کی حفاظت کر کشمیر کو ان مصیبتوں سے نجات دلا میرے اللہ سر سب سے پہلے میں السلام علیکم آپ سے کہتا ہوں وعلیکم السلام سر آج آپ کی حاضری یہاں حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ ہے تو میں نے بھی دیکھا پہلے آپ کی سب سے بڑی دعا رہی کشمیر کی تو سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی حاضری پہ آپ کچھ کہیں دیکھیے ہم نے آج جو دھاگا یہاں پہ باندھا جس کو کشمیری میں ہم دش کہتے ہیں یہ کشمیر کے نام پر ہے جو اس کے ہم نے سات کیونکہ سات جو لفظ ہے تو یہاں پہ ہم ساتواں بھی مناتے ہیں حضرت بلبل شاہ کا ہر جو بھی مہینہ ہے ہمارے مہینے کی ساتویں تاریخ یہاں ہمیشہ بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا لیکن آج سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آئیں لیکن گروپس میں اور الگ الگ ہی آ جائیں اور اپنی حاضری دیا کریں جب بھی دن ہر دن کیونکہ جب ہم اس جگہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی اور اس بزرگ حضرت عبدالرحمٰن بلشاہ صاحب کی عنایت سے کیونکہ میرے پاس اس وقت ایک مسٹک سچویشن ہے جو میں آپ کو نہیں ابھی بول سکتا ہوں لیکن تین راتوں کو یہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے اس جگہ لایا جو کہ اس وقت بڑی خستہ حالت میں تھی یہ زیارت یہ درگاہ کیونکہ جب یہ شخص ہے جب اس نے یہاں اسی مقام پر پہلا قدم لیا بہت بڑا مقام ہے اور وہ جو تار میں آپ کو وہاں پہ بھی حاضری دے رہا ہوں حضرت صدر الدین
रंजन शाह सुल्तान सदरुद्दीन रंजन शाह साहब बिल्कुल साथ है। तो जब वो आए इस बुजुर्ग के पास, कहा बुजुर्ग हम आप किस लिए आए हैं यहाँ, कश्मीर में क्यों आए हैं आप यहाँ, एक सवाल किया। तो बुजुर्ग ने उन्हें अल्लाह के नाम सुनाए, 99 नाम सुनाने, रहमान से शुरू किया, रहीम मालिक अल कुदूस अस्सलाम अल मोमिन अल महिमन अल अजीज अल जबारु अल मुतकबर, ये बिल्कुल 99 नाम जब इन्होंने कहे तो उसके बाद तो मुतासिर हुए यहाँ के बादशाह, और बादशाह ने ही यहाँ पे एक बुनियादें डाली उस मोहब्बत की, इस प्यार की, इस खलूस की। ये एक, और उसके बाद तो 700 साल उसके बाद अमीर कबीर तशरीफ़ ले आए रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी जो सिलसिले हनफियत था जिसकी बुनियाद यहाँ पे इस अजीम शान बुजुर्ग ने डाली, तो उन्होंने कहा कि यही चलेगा, यही सिलसिला यहाँ चलेगा। और 700 साल तो यहाँ किसी ने इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की सर, अभी आप यहाँ शराब की एक बूंद नहीं थी, 700 साल यहाँ शराब बंद था। अब उसके बाद जो हम देख रहे हैं 72 साल, इस 72 साल ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। इस 72 साल में परसों ही वहाँ एक इज्तिमा को ये कह रहा था, यहीं शहर खास में, तो आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि भाई देखो क्या हो रहा है कश्मीर में, कि जो 72 आइडियोलॉजीज 72 सालों में आई उसने तबाही कर दी। 700 साल की आइडियोलॉजी जो जिसकी बुनियाद हजरत बुलबुल शाह साहब ने डाली, जिसकी बुनियाद हमारे पीर बुजुर्ग हजरत शाह हमदान अमीर खबीर रहमतुल्लाह अलैह ने डाली, तो उसको कैसे भूल रहेगा? हजरत समनानी को क्यों भूल रहे हैं, हजरत शेखुल आलम को क्यों भूल रहे हैं आप, हजरत महबूब आलम को क्यों भूल रहे हैं? और 7777 अवलिया है, कोई किसी को याद ही नहीं है कहाँ पे है। अब हम जमात एतिकाद की तरफ से उनको एक एक करके ढूंढ रहे हैं। आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ, हमारे डॉक्टर ताबी साहब और जनाब मुकर्रमी अल्ताफ मखदूमी साहब इस वक्त वहाँ पे जा रहे हैं, टंगमर्ग में जो बाबा ऋषि की दरगाह पे हाजिरी देने जा रहे हैं, ताकि लोग जो नौजवान अब आ रहे हैं, एक इनकलाब सा आ रहा है, ये इसी का नतीजा है कि जमात एतिकाद ने बिल्कुल क्लियर और वाजिया लफ्जों में कहा जो 700 साल यहाँ की बुनियादें हैं उनको हम ख़त्म करने नहीं देंगे, कि किसी भी सूरत में हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त हजरत बुलबुल शाह साहब है, इसको कोई, इसकी शिनाख्त कोई मिटा नहीं सकता, हमारे अमीर कबीर की शिनाख्त कोई मिटा नहीं सकता, हमारे महबूब आलम की नहीं मिटा सकता, हमारे शेखुल आलम की नहीं मिटा सकता। मैंने नाम रखा बहस्ते डिप्टी कमिश्नर, मैंने नाम रखा था एयरपोर्ट का बैनुल अक्वामी शेखुल आलम एयरपोर्ट, मैं यहाँ से ट्रांसफर, बुजुर्ग ने तो मुझे रात के अंधेरे में यहाँ लिया है, मेरी 7, 8, 6 मेरी मारुति में बिल्कुल कभी मौजूद थे, कभी मौजूद ही नहीं थे, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। सर अगर अभी हम बात करें, आपने कहा कि ये मेरे पास 2-3 बार आए, तो माशाल्लाह आप दीदार से भी फैजाब हुए हैं सर। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कश्मीर बड़ा हुआ, आप परसों पिछली दफ़ा वो गए थी वहाँ पे, वो बड़ी मिस्टिक है, पीरनी है, वहाँ फहमीदा सोपुरी गई थी जो तारजू की है, जो हज़रत तुलबुल शाह का बहुत बड़ा, वो तुलबुल बैराज भी बड़ा मशहूर है, तो वहीं पे उनका आस्थान शरीफ है, तो वहाँ की जो सजादा नशीन है वो गई थी, अहम शरीफ, जब आपने कह ना दीदार की बात, अहम शरीफ गई थी। अहम शरीफ में उसने एक वो रॉक है जहाँ पे निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो महबूब आलम खड़े थे वहाँ, ये आया शेर, आया शेर ने हमला किया गाय पर, लेकिन गाय में इतनी ताकत आई बुजुर्ग के निगाह से कि गाय ने ही शेर को मारा, उस जो वहाँ पे वो रॉक है, और जाके देख लीजिए निशानात अभी है उस रॉक पर। ये चीज़ें जो है, और यहाँ इनके आप कमालात देख लीजिए, इन्होंने ये जो आज आपके कोविड देख रहे हैं, मैंने जो 7 धागे यहाँ पे लगाए, तो मैंने यही दुआ की कि सारे कश्मीर को इस कोविड की तबाही से बचाओ, ये मैंने मिन्नत ले ली यहाँ पे। तो इसी तरह ये एक माइक्रोजिनी है, क्या है, खलक इंसान मिन सलसाल खल फ़खार व खलक अल जैन मिन मारे जे मिन अनार,
ये जो है इंसान को अगर खनखनाती मिट्टी से बनाया गया, खनखनाती मिट्टी से, बचती हुई मिट्टी से जो ह्यूमन बॉडी बनाई गई, कुरान शरीफ है, इसी वो आग से जिन को बनाएगा। और वही आग आपके अंदर जाती है, क्या जाती है, फायर जाता है, इज अ फायर वॉल इन साइड। आप वो नकली फायर वॉल कितना भी करे उसमें वो नहीं, जब आपका वो माइक्रो जिनी आपके अंदर जाता है तो सूरह रहमान पढ़े, वो 99 नाम पढ़े जो हमें इस बुजुर्ग ने सिखाए, और कश्मीर का एक एक बंदा वो 99 नाम बिल्कुल रिसाइट करता था, मेमोराइज करता था। हमारे अमीर कबीर ने वो गर्दान रखी अबराज फतेह की, उसके साथ आप जो भी दुरूद पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ लीजिए, वो तो तरीकत की बात होगी। लेकिन जो बेसिक है, हजरत इब्ने अरबी ने वहाँ पे भी इनकलाब लाया, लेकिन पहले फंडामेंटल जिक्र अल्लाह का, जिक्र अल्लाह जब हो, जब आप अल्लाह को, बिकॉज बंदा ये परवरदिगार में एक अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई जो भी अल्लाह के साथ किसी को बताए कि कल कोई वो बिल्कुल गलत है, तौहीद है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा, वो कुछ ऐसे लोग आए हैं, भाई मैं इनको कहता हूँ इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी लाई गई, जानबूझ के लाई गई कि ताकि कश्मीरी कन्फ्यूज हो जाए। और यहाँ पे लाखों जमा होते थे, जिक्र अल्लाह ही हुआ करता था, ये जो ये मैदान था, ये मैदान वहां तक था, वो जो नाला था वहां, नाला नाला नाले तक ये मैदान था। आज देखो, आज आपकी कहाँ है जिक्र अल्लाह, कहीं? अब ठीक है कोविड की वजह से नहीं, अदरवाइज 24/7 इन आस्थानों में जिक्र अल्लाह 99 नाम रिसाइट हुआ करते थे। तो मैं इन चीजों पे आज आपसे बड़े दिल से बात कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर को एक स्पिरिचुअल इनकलाब की जरूरत है। कश्मीर को बहुत बेवकूफ बनाया 72 साल, 2000 लोगों ने क्या बनाया, क्या देर वॉज अ कम्युनिस्ट राइज इन 40-44। वो लिखता है वो पाम्स है, रजनी पाम्स दत्ता, ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर इन द ब्रिटेन, वेरी क्लोज टू सुभाष चंद्र बोस। वो कहता कि मैंने खुद ही लाल चौक का नाम रखवा लिया, लाल चौक के एक नया कम्युनिज्म चढ़ रहा था। इस कम्युनिज्म का भी मुकाबला हमारे इन बुजुर्गों ने किया, हमारे अवलियाओं ने किया, नहीं ग्रो होने दिया वो कम्युनिस्ट निज़ाम यहाँ। और उसके बाद नए निज़ाम लाए गए जो कहते हैं कि भाई बुजुर्गों को भूल जाओ। क्यों भूल जाए हम? ऐसे देखो, इनके साथ हजरत अल्लामा मुल्ला साहब आए थे उस वक्त, इनके साथ वहाँ पे आप जाइए कमान पोस्ट पे, कमान पोस्ट पे हजरत कमाल साहब का आस्थान मुबारक है, यहाँ तने मज़ार में हजरत कमाल साहब का आस्थान मुबारक है। और इनके इशबर में देख लीजिए, इनके साथी आप लोलाब के गांव में देख लीजिए, मुझे वो यूसमर्ग से इनके साथी का वो जो हम डिस्कवरी करते हैं वो जो आए थे, इनको पहचानो। 7,777 अवलियाओं को बाजार आइडेंटिफाई करके हम रोज देते हैं, और हमारे चारों तरफ निगरान इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में मुतहरिक है। और मैं कि इस वक्त बुजुर्ग चाहते हैं, बुजुर्ग खुद चाहते हैं कश्मीर में एक नया रूहानी इनकलाब आए, और रूहानी इनकलाब के लिए तैयार हो। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।